ये है ड्राई मसाला ग्राइंडर, लेकिन सबसे खास चीज इसी एक मशीन का यूज करके आप मसाला तो ग्राइंड कर ही सकते हैं, इसके साथ ही में भिगोए हुए चावल, दाल, हल्दी के साथ बहुत सारी चीजें ग्राइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं, क्योंकि आप न्यूटेक इंडिया चैनल पर आए हैं। यहाँ पर सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि करके दिखाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें दाल और चावल ग्राइंड करते हैं, इसके बाद हम आपको मसाला ग्राइंड करके दिखाएंगे। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस कवर ओपन करिए और रात में जो भिगोए हुए चावल रखे हैं उसे डाल दीजिए। डालकर अच्छे से बंद करना है। अभी जैसे ही मशीन स्टार्ट करते हैं तो ये ग्राइंडिंग स्टार्ट हो गया है। हालांकि जब भी हम इडली वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर चावल ग्राइंड करना पड़ता है, उसके लिए ये मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अब जस्ट इसके बगल वाले में चने की दाल ग्राइंड कर रहे हैं, जो कि ढोकला बनाने के लिए यूज़ में आती है। यदि आप ढोकला बनाते होंगे तो आपको अक्सर चना दाल ग्राइंड करना पड़ता होगा। दाल डालने के बाद इसे बंद कर दीजिए। अभी देखिए अच्छे तरीके से ग्राइंडिंग हो रही है और सिर्फ एक मिनट में ही ग्राइंडिंग होकर तैयार हो जाती है। इसका लॉकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतरीन है। दाल या फिर चावल डालने के बाद आप चाहें तो अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ आप देखिए हमारा चावल का बैटर एकदम से तैयार हो चुका है। अब चलिए दाल की क्वालिटी देखते हैं, दाल कैसे ग्राइंड हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी फाइन क्वालिटी में ग्राइंडिंग हुई है। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं, वेट ग्राइंडिंग भी इसी एक मशीन में हो जाएगी। अब चलिए मसाला ग्राइंड करते हैं। यहाँ पर हमने हार्ड से हार्ड मसाला लिया है, जैसे कि धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, चक्रफूल, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और जीरा के साथ बहुत सारे मसाले ले लिए हैं। यहाँ पर आप देखिए एक दो नहीं बल्कि चार मॉडल की मशीन है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये 4000 वाट की है। इसकी हॉपर कैपेसिटी 2 किलोग्राम की है। इसमें आप एक बार में ही 1.5 से 2 किलोग्राम तक ग्राइंड कर सकते हैं। अभी इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं, डालने के बाद अच्छी तरीके से बंद करना है। देखिए सेफ्टी आपके हाथ में है, जब भी ग्राइंडिंग करें तो ग्राइंडिंग करने से पहले एक बार चेक कर लें कि ढक्कन अच्छे से बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है। अभी मशीन स्टार्ट कर रहे हैं और ये देखिए ग्राइंडिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसके बगल में इससे भी छोटी मशीन देखिए, इसकी हॉपर कैपेसिटी 1 किलोग्राम की है। इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं और डालने के बाद इसको भी अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए। इसके पावर कंजप्शन की बात की जाए तो ये 3000 वाट की मशीन है। एक एक करके हम आपको इन सभी मशीन का वर्किंग प्रोसेस दिखाएंगे। ये जो दोनों मॉडल हैं 3000 वाट और 4000 वाट, इन दोनों मशीन को आप अपने होटल, रेस्टोरेंट या फिर मिस बिजनेस में मसाला ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके बगल में ये जो मशीन है इसका हॉपर कैपेसिटी 500 ग्राम की है। इसमें काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। इसके पावर कंजप्शन की बात की जाए तो ये मशीन 2000 वाट की है। अब इन सभी से छोटी ये जो मशीन है इसकी हॉपर कैपेसिटी 300 ग्राम की है। इसमें जीरा ग्राइंड कर रहे हैं। इसका पावर कंजप्शन देखा जाए तो यह मशीन 1000 वाट की है। इसमें मसाला ग्राइंड करते समय मशीन को 1 से 2 बार के लिए सेक कर लीजिए। देखिए किस तरीके से सेक करना है। इससे फायदा यह होगा कि जितना भी मसाला होगा वो चाहे ऊपर हो नीचे हो बिल्कुल फाइन क्वालिटी में ग्राइंड हो जाएगा। मशीन इतना फास्ट वर्क करती है कि ग्राइंड होने में बहुत समय नहीं लगता है, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा। और अभी कवर ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लाल मिर्च एकदम से ग्राइंड हो चुकी है। अब जस्ट इसके बगल में जिसमें हमने हल्दी डाला था, चलिए इसकी भी क्वालिटी देख लेते हैं, आखिर इतने हार्ड हल्दी को ग्राइंड किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर बन चुका है हल्दी का। इतनी पावरफुल मशीन है कि ग्राइंड होने में बहुत समय नहीं लगता है, मुश्किल से 1 मिनट में ही ग्राइंडिंग हो जाती है। यहाँ आप देखिए काली मिर्च भी बिल्कुल बारीक पिसी हुई है। और इसके बगल में जिसमें हमने जीरा डाला था, चलिए इसकी भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल फाइन पाउडर हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल फाइन पाउडर। तो यहाँ पर आप इन सभी मसाले की क्वालिटी देखिए, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और जीरा बिल्कुल फाइन पार्टिकल में ग्राइंड हो चुका है। सिर्फ इतने में काम नहीं होगा, ये सभी तो नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड हो जाते हैं। अब चलिए हम आपको कुछ इससे भी हार्ड दालचीनी वगैरह ग्राइंड करके दिखाते हैं। तो इस बड़े वाले मशीन में चक्रफूल डाल रहे हैं। डालने के बाद ढक्कन को अच्छे तरीके से क्लोज कर दिए हैं और इसके बगल वाले 3000 वाट के मॉडल में दालचीनी डाल रहे हैं। अब आप भी जानते हैं कि दालचीनी ग्राइंड करने में काफ़ी सख्त होती है, लेकिन अभी आप इसका कमाल देखिएगा कैसे चुटकियों में ग्राइंड करेगी। तो इसके भी कवर को बंद कर दीजिए और ये देखिए मशीन स्टार्ट करते ही दालचीनी ग्राइंड होना स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, जिससे कि बिल्कुल भी खुलने ना पाए। इस 2000 वाले मॉडल में कोकम डाल रहे हैं, तो इसमें भी डालने के बाद अच्छे से क्लोज कर दीजिए। अब इसके बगल में 1000 वाले मॉडल में धनिया डाल रहे हैं।
इसमें भी धनिया डालने के बाद अच्छे तरीके से टाइट कर लीजिए। इस बड़ी वाली मशीन को लेकर आप घर से ही अपने मसालों का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप लेवल पर हमारे पास किसी के पास भी पूंजी बहुत कम होती है। इस मशीन से हर तरह के मसाले ग्राइंड कर लीजिए। इसके बाद पैक करने के लिए आप पैकिंग या फिर सीलिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। पैकिंग मशीन की वीडियो आपको ऊपर दिख रही होगी, बाद में देख लीजिएगा। पैकिंग करने के बाद इसको मार्केट में बेचने के लिए आपको बारकोड लेना पड़ेगा, जिससे कि प्रोडक्ट की बिलिंग हो पाए। बारकोड लेने के लिए आप www.quickbarcode.com पर विजिट कर सकते हैं। लगभग 5000 से अधिक स्टार्टअप यहां से बारकोड लेकर अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं और ये इंडिया का नंबर वन प्राइवेट बारकोड प्रोवाइडर है। यहां से आप बहुत ही कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट के लिए बारकोड ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमने दे दिया है। अभी यहां पर मशीन को सेक कर लिए हैं। अब जितने भी मसाले इसमें डाले थे, चलिए चेक करते हैं कितने फाइन पार्टिकल में ये ग्राइंड हुए हैं। तो मशीन बंद करने के बाद इसका कवर ओपन कर रहे हैं तो इसमें चक्रफूल देखिए बिल्कुल पाउडर हो चुका है। और इसके बगल वाले में जिसमें हमने दालचीनी डाली थी, चलिए इसको भी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे बस मिनटों में ही दालचीनी भी बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसके मोटर की रोटेशन स्पीड 25,000 RPM है। जी हाँ, बिल्कुल 25,000 RPM। इसी कारण से ये मशीन हार्ड से हार्ड मसालों को भी बस 2 मिनट में ही ग्राइंड कर देती है। इन सभी मशीन्स की पूरी बॉडी और हॉपर स्टेनलेस स्टील से बनाए गए हैं, तो इन फ्यूचर इसके बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप भी जानते हैं कि न्यू टेक इंडिया सिर्फ एक ऐसा चैनल है कि यहाँ पर फूड मशीन से रिलेटेड चाहे बात की जाए वेट ग्राइंडर की, डोनेटर की, या फिर पराठा इडली डोसा बनाने की, हर तरह की ऑटोमेटिक मशीन अवेलेबल है। तो एक बार जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके इन सभी मशीन्स को देखिए, हमारे कहने पर नहीं, खुद से जाइए। हो सकता है कोई एक मशीन आपका मेहनत भरा काम आसान बना दे, आपका बिजनेस खड़ा कर दे। इस मशीन को धवन किचन इक्विपमेंट्स के द्वारा बनाया गया है। इसे आप अपने मसालों का बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट या फिर घर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप मशीन लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए मशीन पसंद आ ही गई है तो स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में नहीं, तुरंत करिए, बाद में आप भूल जाएंगे, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही नई नई मशीन वीडियो पहुंचती रहे। स्क्रीन में आपको आटा गूंथने की मशीन दिख रही है, बहुत ही गजब की मशीन है, इसे आप जरूर देखिए।